हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए फिर से हम सार संग्रह का ये मेरा अगला फिर वीडियो है। इसमें हम देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन हम देखेंगे। तांजाबुर का शिव मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो राजा ने करवाया था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत दी गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अंतर्गत दी गई। दिल्ली की सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद था। अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विभत्सा का वर्णन करता है? तो 13वां शिलालेख करता है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो देव, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद है। अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक थी। 273 से 232 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार किस वंश के शासक थे? तो हर्यक वंश के शासक थे। रामानुजाचार्य ने किसका प्रतिपादन किया? तो विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। तोलकापियम तमिल भाषा में किस विषय का ग्रंथ है? तो व्याकरण का ग्रंथ है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन देखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1923 ईस्वी में की गई थी। 8 अप्रैल 1857 को किस देशभक्त सैनिक को देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो मंगल पांडे को दी गई थी। बहावी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना करना। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की? तो 1924 ईस्वी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की। 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई जिसमें उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सी कमीशन नियुक्त किया? तो हंटर कमीशन नियुक्त किया। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन शुरू किया? तो रॉलेट एक्ट कानून के अंतर्गत। कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1906 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की मांग रखी गई। इस अधिवेशन की मांग दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में हुआ। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया तथा इसका किसी भी रूप में होने से मना किया गया? अनुच्छेद 17 के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन से लिया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। इसके संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 को किया। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से था। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया? तो क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में किया गया। भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो संसद को है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। भारत में विश्व का भीषण नैना देवी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कुमायूं क्षेत्र के हिमाचल रेंज में स्थित है। नैना देवी पर्वत शिखर कुमायूं क्षेत्र के हिमाचल रेंज में स्थित है। इसे विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है। कपिल धारा प्रपात किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ब्यास नदी पर बनाया गया है। पोंग बांध किस नदी पर? तो ब्यास नदी पर बनाया गया है। इसके बाद देखेंगे किन नदियों के संगम पर राउरकेला स्टील प्लांट अवस्थित है? तो इसका है उत्तर सांक्या तथा कोयले नदी के संगम पर है। मध्य प्रदेश के साथ कितने अन्य राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? 5 राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़। नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश में। विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? पामिर के पठार को।
मैं एक मोहन रेखा है, किन दो देशों को के बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे। मार्केट लॉ का प्रतिपादन किसने किया था, JBC ने किया, JBC ने। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष करों एवं अनुदानों के प्राप्त राशि को घटाने की से बची राशि को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है, तो जॉन रिचर्ड हिक्स की रचना है। राष्ट्रीय विकास संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में है। किस अर्थव्यवस्था को क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, तो जिसमें आयात और निर्यात नहीं होता है। ट्राइसेम क्या है, तो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम को ट्राइसेम कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर VK RV राव थे। 1939 में लिखी गई पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडिया किसकी कृति है, तो सर विश्वेश्वरैया की कृति है। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ किया गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन देखेंगे, कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच कितना कोण होता है, तो 90 डिग्री का कोण होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1×10^37 किलोग्राम। अणु गति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणुओं का मध्य वर्ग अनुक्रमानुपाती होता है, तो √T का अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जर्मन सिल्वर में होता है, तो Cu 50%, जो Cu 50%, Zn 25% तथा Nc 25%। जर्मन सिल्वर में Cu 50%, Zn Zn 25% और Nc 25% होता है। धोने की सोडे का रासायनिक Na2CO3 × 10H2 धोने की सोडा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला Na2CO3 × 10H2। थाइमिल जो विटामिन B1 को बोलते हैं, कि कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर छन जाती है, तो वृक्क की किडनी में छन जाती है। प्लेजोडियम किस रोग का परजीवी होता है, तो मलेरिया का परजीवी होता है। प्लेजोडियम मलेरिया का परजीवी होता है। नीली हरित क्रांति की 700 से अधिक यूनी एंगल का संग्रहालय देश में कहाँ बनाया गया, तो भारतीय कृषि संस्थान पूसा नई दिल्ली में बनाया गया है। इसके बाद सार संग्रह दूसरा देखेंगे, भारतीय इतिहास और संस्कृति से देखेंगे। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो श्री गुप्त को कहा जाता है वास्तविक। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया, तो जहांगीर की अनुमति से। प्रथम छह मुगल सम्राटों का सही क्रम क्या है, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब है। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला बंगाल का नाम, सिराजुद्दौला। इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था, विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बाबर की मृत्यु आगरा हुई थी। किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा लूटा, तो नादिर शाह ने लूटा। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने परास्त किया, तो पुलकेशिन द्वितीय ने परास्त किया। पांचवीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन किनके आक्रमण के फलस्वरूप हुआ, तो हूणों के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ। किसके शासनकाल में गंधार कला फूली फली, कनिष्क के शासनकाल में फूली फली। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे, भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 किस कारण एक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, तो महाराजा हरि सिंह तथा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण। भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लिकायत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे, तो अल्पसंख्यक के संरक्षण के लिए किए गए थे। मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर से 1872 में प्रकाशन किसने शुरू किया था, बंकिमचंद चट्टोपाध्याय ने शुरू किया था। ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप कहीं अंदाज लगाते हैं कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है, अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी, गोपाल कृष्ण गोखले ने बोले थे।
किस क्रांतिकारी ने कहा था हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शक है। तो अरविंद घोष ने कहा था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था तो पटना में था। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया तो लाहौर में किया। इसके बाद 1912 में मोहम्मद अली ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया, द कामरेड ने शुरू किया। रोहिलखंड में 1857 के उपद्रव का कमांडर कौन था तो अहमदुल्ला था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी तो 1897 में ईस्वी में की थी। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किससे है तो केवल मुख्य न्यायाधीश को है। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्ति को संरक्षण कौन प्रदान करता है तो भारत का संविधान करता है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की गई है तो अनुच्छेद 19 में की गई है। भारत में सन 1975 से 1977 के बीच आपातकाल की घोषणा हुई थी, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा हुई थी। 75 से 77 यानी 2 साल तक। भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपने पसंद की शैक्षणिक व्यवस्था को पदस्थापित तथा प्रशासित करने का अधिकार देती है तो धारा 30(1). संविधान के अनुच्छेद 51(1) के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है तो प्रत्येक नागरिक को है। भारत के संविधान को कितने भागों में बांटा गया है तो 25 भागों में बांटा गया है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है तो 50 सदस्यों की। संपत्ति का अधिकार कब और किसका अधिकार है, अब किसका अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है तो विधिक अधिकार है, लीगल राइट्स। संपत्ति का अधिकार अब किसका अधिकार है तो विधिक अधिकार है। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है, धर्म या भाषा के आधार पर। इसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है तो हिंद महासागर में। बुध ग्रह सूर्य की 1 बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर लगाता है समय, 88 दिन के बराबर लगाता है। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है तो द्विबेही है। उसके बाद में मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन है तो मुंबई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है तो सैंडल पीक है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है तो हरियाणा में है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो न्यू गिनी द्वीप है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यांगती नदी है, चीन में है बहती है। कौन सा देश यानी लैंड ऑफ गोल्डन फेस के नाम से जाना जाता है तो ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है तो कश्मीर को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है तो डॉक्टर प्रशांत चंद्र महाबोलोनिस कलकत्ता स्थित सांख्यिकी संस्थापक थे। इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस प्रयोजन से बनाई गई तो निर्धनता रेखा से नीचे यानी BPL जनसंख्या के आकलन हेतु मानकों के पुनर्निर्धारण के लिए बनाई गई। द्वीप विकास प्राधिकरण आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक पास्कल लामी किस देश के नागरिक, इसको छोड़ेंगे। भारत में किस विदेशी बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं तो ग्रीनलैंड बैंक की सबसे अधिक शाखा। कपाट का पूरा नाम क्या है तो काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, इसके मुख्यालय नई दिल्ली है। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उद्योग एवं व्यापार का सरकार का स्वामित्व। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया, PC महालनोबिस।
अंतर्राष्ट्रीय सॉरी राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है, तो रिजर्व बैंक का नियंत्रित उपक्रम है। विज्ञान और तकनीकी से देखेंगे, कार ड्राइव की सुरक्षा के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है, तो सोडियम एजाइड होता है। कार ड्राइव में सुरक्षा के लिए एयर बैग जो होता है उसमें सोडियम एजाइड होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। उष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो थर्मोकोल प्रयोग किया जाता है। इसरो का पूर्ण रूप होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को 2009 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो वेंकट रमन रामकृष्णन को। रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो लुइस पाश्चर ने की थी। टेकोफेरॉल क्या है, तो विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम होता है, तो लाइपेज होता है, वसा को लाइपेज पचाता है। उसको टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत प्रभावित होता है। बी 12 किस बीमारी के लिए उत्तम इलाज है, एनीमिया के इलाज है। वर्ष कृषि से देखेंगे, वर्ष 2030 तक विश्व की आबादी कितने तक पहुंचने का अनुमान है, 8.3 बिलियन 2030 तक 8.3 बिलियन लगभग पहुंचने का अनुमान है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, आगा खां हॉकी से संबंधित है। पंकज अडवाणी खेल किस खेल से संबंधित है, तो पंकज अडवाणी बिलियार्ड से संबंधित है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप 1975 में हुआ था। विविध क्वेश्चन देखेंगे, मुकुल ए शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो मेघालय के हैं। लिस्बन संधि का संबंध है यूरोपीय संघ के सदस्यों के नए नियमों विनियमों के साथ काम करने के निर्णय से है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति डीके जैन शाहबाद में पहले ग्रामीण न्यायालय का उद्घाटन किया। शाहबाद किस राज्य में स्थित है, हरियाणा में स्थित है। ब्रिक्स राष्ट्रों का दूसरा शिखर सम्मेलन इसको भी छोड़ेंगे। सार्क ने अपनी स्थापना का कौन सा उत्सव मनाया है, तो रजत जयंती मनाया है 25 वर्ष सार्क का 25 वर्ष। ये भी क्वेश्चन करंट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो मानवाधिकारों की रक्षा करना। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य होता है मानवाधिकारों की रक्षा करना। इसके बाद समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के। कॉमन वेल्थ है राइटर्स प्राइज 2000 इसको भी छोड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बार बार प्रयुक्त शब्द सोफा का पूर्ण रूप क्या था, तो स्टेटस ऑफ फोर्स अरेंजमेंट। सोफा का पूर्ण रूप फुल फॉर्म होता है स्टेटस ऑफ फोर्स अरेंजमेंट। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया, 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। चलिए तीसरा सारसंग्रह हम देखेंगे। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे, किस राजवंश के शासक की तुलना ईश्वर से की गई है, तो गुप्त राजवंश के शासकों की तुलना ईश्वर से की गई है। तैमूर के आक्रमण के समय शासक कौन था, आक्रमण के समय शासक नसरुद्दीन मोहम्मद था। गुलबदन बेगम ने किसके शासनकाल में हुमायूं नामा लिखा, तो अकबर के शासनकाल में लिखा था। भारत में नहरों का जाल फैलाने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम में थी। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक ने थी। अजंता की गुफाएँ किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आगरा में हुई थी। इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा, तो विंस्टन चर्चिल ने क्रिस्ट मिशन भारत में जा। उसके बाद कापड़ी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। सिविल डिसोबेडियंट मोमेंट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक किसको भारत का हीरा कहते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को डायमंड ऑफ इंडिया कहते थे। भारतीय कम्युनिज्म के पायनियर कौन थे, तो एम एन राय भारतीय कम्युनिज्म के पायनियर एम एन राय थे। पाकिस्तान के विचार आइडिया ऑफ पाकिस्तान के जनक कौन कहे जाते हैं, तो मोहम्मद इकबाल कहे जाते हैं। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे,
खान अब्दुल गफार अफार खान थे। 1857 के गद्दर में दिल्ली में विद्रोहिया का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। बंगाल विभाजन को किस वायसराय के शासनकाल में निरस्त कर दिया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में निरस्त कर दिया गया था। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की सामुदायिक सरकार की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में मिलन हुआ। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से क्वेश्चन देखें। संविधान में किसके महाभियोग का प्रस्ताव नहीं है? तो राज्यपाल का महाभियोग का प्रस्ताव नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से रह सकता है। भारत के संविधान में आपातकालीन व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? तो जर्मनी के वेमर संविधान से ली गई है। भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी स्वीकृति देने से रोक सकता है? अनुच्छेद 111 यानी 111 से रोक सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो 44वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 17 व 18 क्या करते हैं? तो 17 और 18 सामाजिक समता सोशल इक्विलिटी दर्शाए गए हैं संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए आदेश दे सकते हैं? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? तो दोनों सदन में चलाया जा सकता है। लोकसभा के सामान्य समय अंतराल को किसके आदेश से बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति के आदेश से बढ़ाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रिट जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को कर सकता है। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। इसके भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। दीर्घ ज्वार कब होता है? जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आते हैं तो दीर्घ ज्वार होता है। बंगाल की खाड़ी में गिरते समय ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है? तो यमुना हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में जैसे गिरती है तो यमुना हो जाता है। नोट, यमुना नहीं यमुना, ज से शुरू होता है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। जो जिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। हेमावती, अकरावती तथा श्रीमासा किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती, अकरावती तथा श्रीमासा कावेरी की सहायक नदी है। 165 डिग्री ईस्ट तथा 165 डिग्री वेस्ट पर ईस्ट तथा 165 डिग्री वेस्ट पर स्थित दोनों स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? तो 22 घंटे 165 ईस्ट और 165 वेस्ट में 22 घंटे का अंतर होता है। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर बनाया गया है। एलिफेंटा पास किस देश के संदर्भ में बोला जाता है? श्रीलंका के संदर्भ में बोला जाता है एलिफेंटा पास। केप केनवेरल जहाँ से स्पेशल शटल प्रक्षेपित किए जाते हैं किसके तट पर स्थित है? फ्लोरिडा के तट पर स्थित है, अमेरिका में है फ्लोरिडा। केप केनवेरल जहाँ से प्रक्षेपित किए जाते हैं यह फ्लोरिडा में है। विश्व के 10 सबसे बड़े यूरेनियम क्षेत्र किस देश में है? तो यूरेनियम का भंडार सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है। भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक देखेंगे। किस शहर को भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में समझा जाता है? तो मुंबई को। सहकारी आंदोलन यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट को भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता मिली? तो दुग्ध उत्पादन में मिली। बैंकों में आर्थिक वर्ष किस समय अंतराल की होती है? तो अप्रैल से मार्च तक होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद के उपक्रम के संबंध में एनएफएसएम का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल
नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो आदम स्मिथ ने लिखी थी। सेक्शन 88 के अंतर्गत टैक्स रिबेट समाप्त करने की संतुति किस कमेटी ने की, था केलकर कमेटी ने। टैक्स रिबेट टैक्स समाप्त करने की समिति केलकर समिति ने की थी। किस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो आईआरडीपी कार्यक्रम में बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है, तो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है, तो जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित हो, जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित हो, उसे लिमिटेड कंपनी बोला जाता है। भारत में पहला ऋण वसूली न्यायाधिकरण किस शहर में स्थापित किया गया, तो कोलकाता में किया गया। विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे, क्षुद्र ग्रह अवस्थित है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित है। ब्रेड या इडली किसके कारण फूल जाती है, तो ईस्ट के कारण फूल जाती है। वायु की आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो आर्द्र तथा शुष्क बल्ब हाइग्रोमीटर से माप की जाती है। एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य किस क्रम का होता है, तो एक एंगस्ट्रम के क्रम का होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग तरंग दैर्ध्य आवृत्ति तथा तीव्रता में से किस पर निर्भर करता है, इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल हैवी वाटर तथा ग्रेफाइट तथा बेरिलियम ऑक्साइड। भारी जल सबसे बेहतर होता है मंदक के रूप में। गैलीलियम तथा ऑक्सीजन मिलाकर यानी Ga2 तथा O3 मिलाकर यौगिक बनाते हैं, तो गैलीलियम की संयोजकता कितनी है, तो गैलीलियम की संयोजकता 3 होती है। नीला हरा लाल तथा पीले प्रकाश में किसमें अधिकतम ऊर्जा होती है, तो नीले रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। किसमें अधिकतम ऊर्जा होती है, नीला हरा लाल तथा पीला में, नीला में सबसे ज़्यादा किसमें ऊर्जा होती है, तो नीला रंग में ऊर्जा होती है। मानव के लिए विटामिन डी का प्राथमिक स्रोत है सूर्य। एनीमिया का रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो लोहा की कमी के कारण होता है। इसके बाद एग्रीकल्चर से क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सल स्टेट CAU देश के एकमात्र केंद्रीय सहकारित कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल की स्थापना कब हुई थी, 93 में। एनएफडीबी यानी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 2006 में हुई थी। इसके बाद खेल कूद से हम क्वेश्चन कुछ देख लेंगे, अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। इसके बाद फीफा नामक संगठन किस क्षेत्र से में क्रियाशील है, तो फुटबॉल के क्षेत्र में फीफा क्रियाशील है। ओलंपिक खेल में कितने समय अंतराल होते हैं, तो 4 वर्ष का होता है। अफगान आगा खां कप किस खेल में दिया जाता है, तो हॉकी में दिया जाता है। एशियन खेल कितने समय अंतराल में आयोजित किए जाते हैं, तो 4 वर्ष के समय के अंतराल। ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा। इसके विविध क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति थे, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तराखंड के थे। साहित्य के ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एक महान व्यक्ति कौन थे, तो सुमित्रा नंदन पंत जी थे। 1993 में हिमाचल प्रदेश में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन थी, तो डिकी डोलमा थे। इसका भारत का 28वां राज्य कौन है, तो छत्तीसगढ़ है। शक्ति वन किस महापुरुष की समाधि स्थल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। शक्ति वन महात्मा गांधी जी के प्रमुख हथियार माने जाते हैं, तो सत्य अहिंसा अनशन तथा असहयोग। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको छोड़ेंगे। इसके बाद देखें, किसने कहा, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। कपिल प्रदीप के द्वारा लिखा गया।
समय का आभास किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है समय का आभास। स्ट्रेंथ फ्रॉम माय हार्ट पुस्तक किस क्रिकेट खिलाड़ी ने लिखा? तो कपिल देव ने लिखा। किसने लिखा? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय ऑफ हेवर, जॉन किट्स ने लिखा। किस पुस्तक में लिखा? इन टू डैट हैव एन ए फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवे, गीतांजलि में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद हम देखेंगे बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के थे? इजराइल के हैं प्रधानमंत्री। एकमात्र वह भारतीय कौन है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। महात्मा माउंट एवरेस्ट पर आरोहण करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। उसके बाद बोलोमीटर से क्या नापा जाता है? तो ताप मापा जाता है। बोलोमीटर से टेम्परेचर मापा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किसको सेक्रेटरी स्टेट नियुक्त किया? तो हिलेरी क्विंटन को नियुक्त किया है। ये भी क्वेश्चन करंट का है। भारत पाकिस्तान के बीच रेल सेवा थार एक्सप्रेस कहाँ से शुरू होती है? तो बाड़मेर से शुरू होती है। थार एक्सप्रेस बाड़मेर से शुरू होती है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्लान किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा होता है। भारत में राष्ट्रीय रसायनशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। बौद्धों का ताबो मठ कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। बौद्धों का ताबो मठ कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। सार संग्रह अगला नेक्स्ट में आएंगे। भारतीय इतिहास और संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता थी तो नागरिक तथा व्यापारिक प्रधान थी। इसके अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता पाई तो जेम्स प्रिंसेप ने। अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ। शिवाजी के अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त होता है? तो पेशवा को। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सामना किससे हुआ? तो हेमू से हुआ। पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू से हुआ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो कहाँ पे थी? तो सूरत में थी। देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व का अंत किसने हुआ? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम से हुआ। धन की निकासी के सिद्धांत को किसके नाम से जोड़ा जाता है? दादा भाई नौरोजी के नाम से जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हम देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब शुरू हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ तथा आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ। किस आंदोलन के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। अहमदिया आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो पंजाब से शुरू हुआ। 1930 ईस्वी में चटगांव मुक्त कराने में किस क्रांतिकारी की मुख्य भूमिका थी? तो सूर्य सेन की भूमिका थी। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत की पड़ोसी किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो नेपाल ने। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? तो पहली और तीसरी में बैठक नहीं लिया। कांग्रेस ने पहली और तीसरी में भाग नहीं लिया। वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो मैसूर में हुई थी। भारत के पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो टाटा ने दिया था। इसके बाद चंपारण विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार को कौन सी पद्धति समाप्त करनी पड़ी थी? तो तीन कोठिया पद्धति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से निरुद्ध करने के विरुद्ध समक्ष न्यायालय द्वारा कौन सा अभिलेख जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षकरण लेख जारी किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? 61 के आधार पर 61 महाभियोग। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधित की गई है? केवल एक बार, प्रस्तावना एक बार। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित? तो भाग 3 है, मौलिक अधिकार। संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे गए एक्ट को किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 31 के बी में।
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर सदन में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर होने चाहिए? तो सदन की कुल सदस्य का एक चौथाई भाग पर महाभियोग होने के लिए, महाभियोग चलाने के लिए एक चौथाई, महाभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव पर सदन के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो एक चौथाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों की स्थगन की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 359। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति की गई है? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया? तो मोरारजी देसाई को के शासनकाल में किसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया? भारत एवं विश्व का भूगोल से देखेंगे, सियाम देश के वर्तमान में नाम क्या है? तो सियाम देश के, सियाम का वर्तमान में नाम है थाईलैंड। त्रिपुरा के निवासी कौन से भाषा बोलते थे? तो बंगाली और त्रिपुरी बोलते थे। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो यूरोप में कोई रेगिस्तान नहीं है। यूरोप में क्या है? तो कोई रेगिस्तान नहीं है। इजराइल की सीमा किन देशों के सीमा से मिलती है? तो लेबनान, सीरिया तथा जॉर्डन तथा मिस्र की सीमा से मिलती है। आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? पाक स्टेट जल डमरू मध्य स्थित है। समुद्र में सर्वाधिक गहराई तक का बिंदु है? तो चैलेंजर द्वीप है। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो हवाई द्वीप का है। अबूजा किस देश की नई राजधानी है? तो नाइजीरिया की है। जमैका द्वीप किस नगर में स्थित है? तो कैरेबियन सागर में स्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1952 में किया गया। तो खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है? तो साख नीति का अंग है। कर रचना संबंधी सुधारों के लिए कौन सी समिति गठित की गई है? तो चलाया समिति गठित की गई है। विजय केलकर कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो मंदी के साथ मुद्रा स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 2007 से 12 तक था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जा रहा है? तो सेबी के माध्यम से किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीय नियोजन सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो सोवियत संघ ने अपनाया। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI का स्रोत क्या है? तो मॉरिशस है। विज्ञान तकनीकी से क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति से पत्तियों का रंग हरा होता है? तो मैग्नीशियम की उपस्थिति से होता है। आवर्त सारणी के निर्माणकर्ता के नाम पर किस तत्व का नामकरण किया गया? तो मेंडेलीफ 101 का नामकरण किया गया। बड़े द्वारक यानी लार्ज एपर्चर की बड़े द्वारक के दूरदर्शी किस प्रयोजन के लिए बनाए जाते हैं? तो अधिक विभेदन क्षमता प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे, किस पदार्थ के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकावट अनुभव होता है? तो लैक्टिक अम्ल से। कौन सा विटामिन एनीमिया के उपचार में बड़ा लाभदायी होता है? तो विटामिन B12 एनीमिया के उपचार में लाभदायी होता है। सूर्य से कौन सा न्यूक्लियर ईंधन विद्यमान है? तो हाइड्रोजन में है। उसके बाद स्पाइनल कार्ड तथा मानसिक झिल्ली पर सूजन आ जाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो मैनिनजाइटिस हो जाती है। उसके बाद रेटिना की वक्रता विषम से कौन सा दृष्टिदोष उत्पन्न होता है? तो दृष्टि वैषम्य उत्पन्न होता है। एक EMU द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? तो 931 MV ऊर्जा के तुल्य होता है। किस पदार्थ को झूठा सोना फॉल्स गोल्ड कहा जाता है? तो आयरन सल्फाइड FeSO2 तथा आयरन पाइराइड को आयरन सल्फाइड तथा FeSO2 तथा आयरन पाइराइड को झूठा सोना कहा जाता है। एग्रीकल्चर से कुछ क्वेश्चन है, द फर्स्ट मैन मेड सीरियल कही जाती है? तो ट्रिटिकेल को कही जाती है। सूर्य शेखर गांगुली किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। यूरो कप का संबंध फुटबॉल से है। ज्योति रंगवा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो गोल्फ के। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो हॉकी में दी जाती है। क्यू शब्द का प्रयोग किस खेल से है? तो बिलियर्ड से है। विविध क्वेश्चन देखेंगे, द
एडॉप्टेड अंडर ऑडेक्सिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक थे बराक ओबामा। भारत में नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम से कविता संग्रह कितने सृजन किया था? तो सरोजनी नायडू ने किया था। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? डॉक्टर नीलम सरजीव रेड्डी। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय? वायुसेना के पश्चिमी कमांड का नई दिल्ली है। भारत के कौन से प्रधानमंत्री लोकसभा में अपने लिए मांगे गए विश्वास प्रस्ताव में स्वयं को वोट न दे सके? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि वह राज्यसभा के सदस्य थे। अपने लिए स्वयं को वोट नहीं सके, राज्यसभा के सदस्य थे इसीलिए। पाणिनी के अष्टाध्यायी तथा पतंजलि का महाकाव्य किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण के हिस्से से संबंधित है। ब्रिटेन के किस सैनिक अधिकारी ने टीपू सुल्तान को भारत में नेपोलियन बोनापार्ट का यूरोप में हरा कर तथा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन भी हो गया? तो आर्थर पेलेजली। प्रसिद्ध ड्रामा नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो बीके कृष्ण मेनन थे। नो फुल स्टॉप इन इंडिया नामक पुस्तक तो मार्क तुल्ली ने लिखा था। माय म्यूजिक माय लव पुस्तक के लेखक पंडित रविशंकर। फ्रांस की क्रांति का नारा था तो स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को विवेकानंद की जन्मदिन पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो झांसी में मिलते हैं। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का वित्तीय संगठन है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? तो अलकनंदा और भागीरथी का। टू लिप्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो विक्रम सेठ ने लिखी थी। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को कौन सा पुरस्कार देता है? तो कलिंग पुरस्कार देता है। तो डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी किस राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री थे? आंध्र प्रदेश के थे। पाथेर पंचाली किस निर्देशन की फिल्म है? तो सत्यजीत रे की है। प्रथम बीके कृष्ण मेनन अवार्ड किसे प्रदान किया? तो KG बालकृष्णन को। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे। प्राचीन भारतीय गणित की पुस्तक लीलावती किसकी कृति है? तो भारत के प्राचीन गणितज्ञ भास्कराचार्य की। लीलावती भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया। किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट का वर्तमान प्रायोजक बताया गया है? तो सहारा इंडिया, अब बदल गया है। भारत और फ्रांस की वायुसेना ये भी क्वेश्चन करंट का है। तो यहीं पे इस पार्ट को हम ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।